खबर आ रही है कि एक्टर वरुण धवन की पसली में चोट लग गई है। वो शूटिंग के दौरान वो चोटिल हो गए हैं। हालांकि चोट बहुत गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन फिर भी एक स्टार है, उसको जब चोट लगेगी तो खबरें आएंगी ही। वो अपने पिता, बताया जा रहा है कि वो अपने पिता डेविड धवन की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो अनटाइटल्ड है, अभी उस फिल्म का टाइटल तय नहीं हुआ है, उसकी शूटिंग कर रहे हैं। उसी शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी है पसली में। हालाँकि पहला शेड्यूल ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा शेड्यूल नवंबर में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान वरुण धवन को पसली में चोट लगी है। वरुण धवन के साथ इस फिल्म में मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब जो पहला शेड्यूल खत्म हुआ है, दूसरा शेड्यूल जो नवंबर में शुरू होगा, उस बीच में वरुण धवन शूटिंग पूरी करेंगे, जिसका नाम है फिल्म का सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। यानी ये जो बीच में जो गैप है नवंबर और अभी के बीच में, उसमें ये दूसरी फिल्म की शूटिंग करेंगे। आपको बता दें कि अपने पिता डेविड धवन के साथ वरुण धवन की जुगलबंदी अच्छी रही है, बाप बेटे की जोड़ी भी अच्छी रही है। पहले भी जो पास में इन्होंने काम किया है वो फिल्में काफ़ी सफल रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। वरुण धवन और डेविड धवन की पहली फिल्म थी मैं तेरा हीरो, एक साथ में आई थी जब वरुण धवन ने अपने बेटे को डायरेक्ट किया था मैं तेरा हीरो। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चली थी, उस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था। उसके बाद जुड़वा सलमान खान की पहली फिल्म थी जुड़वा, उसको भी डेविड धवन ने बनाया था। और जब उस फिल्म का सीक्वल बनने लगा तो उसमें अपने बेटे वरुण धवन को कास्ट किया, वरुण धवन डबल रोल में नजर आए थे, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई थी। हाँ, जो तीसरी फिल्म थी हीरो नंबर वन, वो फिल्म बहुत अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि वो ज़माना भी वैसा था जब कोरोना का दौर था, उस समय फिल्में नहीं चल रही थी और इस वजह से वो फिल्म अच्छा नहीं कर पाई। हालांकि जो पहली फिल्म थी जो गोविंदा के साथ जो डेविड धवन ने बनाई थी, वो फिल्म बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। अब डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी में जो फिल्म बनने जा रही है, जिसकी शूटिंग चल रही है, वो फिल्म कैसी होगी, बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल तो अभी तक नहीं आई है। लेकिन जिस तरह की ये लोग फिल्में बनाते आए हैं, जाहिर है कॉमेडी होगी फिल्म, वैसी ही फिल्म होने की उम्मीद है। जो इंटरटेनिंग हम जिसको कहते हैं, वैसे इंटरटेनिंग फिल्म होने की उम्मीद है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।